नमस्कार जोहार, लाइव लगातार में आपका स्वागत है। विस्थापन के बीच में एक खबर हम आपको इसलिए पॉजिटिव दिखा रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ की सुंदरता, यहाँ सुंदरता इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सुंदर वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, पानी है, नौका विहार होता है। हमारे साथ कुछ पर्यटन है यहाँ पे, सीधे इनसे जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कितना अच्छा लगता है आप यहाँ जब आते हैं। हम लोग तो हमेशा शाम में जैसे हफ्ते भर में आ जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, मौसम बहुत अच्छा रहता है यहाँ। हम लोग अपने घर साक्षी से हम लोग यहाँ आते हैं, एक दो घंटा बिताते हैं यहाँ समय, उसके बाद यहाँ से हम लोग जाते हैं। देखिए सारे लोग जो हैं वोटिंग करने जा रहे हैं और जो सेफ्टी वोट है वो भी पहने हुए हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, कितना मज़ा आता है आप यहाँ जब आते हैं? जी बहुत मज़ा आता है, हम तो मुंगेर बिहार से आए हैं यहाँ घूमने के लिए, खास चांडिल, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ घूमने के लिए, और जब आते तब हम यहाँ आ जाते हैं चांडिल। तो चलिए बिहार से भी, अब बाहर से कई, यानी बंगाल से, बिहार से और कई जिलों से यहाँ लोग पहुँचते हैं क्योंकि यहाँ की वादियाँ बहुत अच्छी हैं। और कुछ लोगों से जुड़ते हैं, कहाँ से हैं आप और कितना घूमे हैं? हम लोग तो झारखंड के ही है और झारखंड में ही अपना ज़िंदगी शुरू से लेकर लास्ट तक, हम लोग सांची आम बढ़ाने, हम लोग का खुद ऑफिस है तो हम लोग हमेशा हर शाम को हम लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। अभी कुछ मेहमान आए हुए थे तो उनको घुमाने के लेकर आए, बस इसका सुंदरता बहुत काफ़ी बेहतर है, बस यही है और क्या बोल सकते हैं। देखिए हमारे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि महिलाएं यहाँ पे हैं और इन महिलाओं से सीधे जुड़ते हैं कि ये बाहर से आई होंगी। मैडम ये बताइए कहाँ से आप आई हैं और कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, कलकत्ता से आए हैं हम सब लोग ग्रुप। इतना अच्छा लग रहा है आप लोग यहाँ पे आई, वादियों को देखी तब? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा तो कलकत्ता से आई हूँ तो यहाँ का, कलकत्ता से आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो है पहाड़ है, ये लेक है, यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत है। और देखिए कितना पर्यटक आई हुए हैं, सब कोई लाइन में खड़े हैं बोटिंग के लिए, यहाँ बोटिंग भी होती है तो बहुत अच्छा है। हम लोग को तो मज़ा आ गया, आप भी शायद बहुत ही मज़ा ले रहे हैं। देखिए यहाँ कलगड़ा से और कई जिलों से यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ खूब आनंद लेते हैं। अभी हम बात करते हैं यहाँ के जो अध्यक्ष हैं और यहाँ के जो सचिव हैं, उनसे सीधे जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिरकार कितना पर्यटन का यहाँ पे स्थिति क्या है। देखिए यहाँ पे आपको पर्यटनों का हमने सुनाया कि कितने अच्छे से यहाँ मजा कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष हैं, इनसे सीधे जुड़ते हैं। सर क्या क्या है यहाँ पे? नौका विहार है, कई सारी इंजॉयमेंट की चीज़ है, तो क्या क्या है यहाँ पे पर्यटनों के लिए? देखिए पर्यटन के लिए अभी फिलहाल तो बोटिंग है और बोटिंग के साथ साथ धीरे धीरे जगह विकास हो रहे हैं और कुछ जरूरी है विकास के लिए अभी बाकी है, जैसे पर्यटन स्थल के लिए जो अभी विकसित करने का जो योजना है उसमें जैसे आपका ये क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट चाहिए, रेस्टोरेंट बने, कॉटेज बने, अभी एक फिलहाल एक रोड बने हैं साल बिहार बनाने के लिए, वो कुछ पर्यटन के आकर्षण के लिए। पर्यटन के मेन आकर्षण तो अपना डैम बनता है और इसके साथ साथ पर्यटन का क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमारे जो चांडिल डैम है इसका एक ऐतिहासिक जगह है, जैसे एक दुलमी है जो हमारे निमडी प्रखंड में पड़ता है, दूसरा है हमारे ईंचागढ़ पातकुम घाट, ये तीन चार जगह जो एक हमारे लावा घाट है। तो ये देखा जाए तो चांडिल डैम पर्यटन के लिए माने एक चांडिल डैम एक पर्यटन हब के जैसे दिखा जा सकता है, लेकिन उसमें काम करना पड़ेगा, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि चांडिल डैम के जलाशय के किनारे किनारे अगर पर्यटन स्थल का विकसित किया जाए, छः चार जगह जो है जो बंगाल से जुड़ रहे हैं, कोई एनएस से जुड़ रहे हैं, उस जगह को जो सिली से जुड़ रहे हैं, इस जगह को अगर किया जाए तो यहाँ जैसे को सैकड़ों आदमी अपना स्वरोजगार कर रहे हैं वैसा ही विस्थापित हमारे चारों तरफ रोजगार से जुड़े हैं। मेन तो हमारे जो समस्या है ये विस्थापित होने के बाद तो एक बेरोजगारी है, जो रोजगार मुहैया नहीं करा पाए हैं सरकार, यही है जो हम लोग शुरू किए माने शुरू किए पर्यटन स्थल और पर्यटन के विषय में और फिशरीज के विषय में जो केज कल्चर करते हैं इसमें कुछ लोग जुड़े हैं, लेकिन इसको अगर विस्तार रूप दिया जाए और इसको अगर बढ़िया बनाया जाए तो हमारे यहाँ के कुछ लोगों को रोजगार से जुड़ेगा जो पलायन से रोकेगा। तो ये हमारे है माने पर्यटन विषय पर जो पर्यटन के लिए हम बोले ना जो तीन चार जगह है उसको हम ध्यान भी आकृष्ट कराए हैं, सरकार को विभाग को भी आकृष्ट कराए हैं कि इस स्थल को विकसित किया जाए और यहाँ पर्यटन स्थल से जो भी विकास करना है, रेस्टोरेंट करना है, चाहे वाटर पार्क करना है, चिल्ड्रन गार्डन चाहिए, पार्किंग चाहिए, ये सब काम करने से लोगों को रोजगार से
जोड़ा जा सकता। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जैसे यानी विकास होगा, यहाँ पे पर्यटन जुटेंगे और यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। तो इनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार इसके ऊपर केंद्रित करे, पर्यटन विभाग यहाँ पे आए, लोग जो हैं यहाँ पे आए और इस क्षेत्र का जो है विकास करें। मैं पीयूष मिश्रा, लाइव लगातार जमशेदपुर।